नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के वेतन वृद्धि से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बताए, उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार सरकार का जो गठन हुआ है, इसके पूर्व जो है कि जो बिहार सरकार थी, जिसमें जो है कि महागठबंधन की सरकार, जिसके जो है कि स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, आशा कर्मियों के आंदोलन के क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनके मानदेय में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की जाएगी, यानी कि 1500 रुपये वेतन वृद्धि का आश्वासन आशा कर्मियों को दिया गया था। और आशा कर्मी इस इंतज़ार में थे कि जो है कि आज या कल में कैबिनेट में उनका मामला चला जाएगा और वेतन वृद्धि हो जाएगी, किंतु नहीं हो पाया। अब जो नई सरकार का गठन हुआ और विधानसभा में जो है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को जाते जाते ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप जो है कि आशा कार्यकर्ताओं का जो लंबित रह गया हमारे कार्यकाल का, जिस पर हमने हस्ताक्षर कर दिया है, उस वेतन वृद्धि को लागू जरूर कर दीजिएगा। और कहकर भी जो है कि अपना जो कहना था कहे और चले गए। अब जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के वेतन में जो है कि 12,000 से अधिक की वृद्धि कर उन्हें जो है कि ईपीएफ के दायरे में लाने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। और दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि का लंबित प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने की सारी प्रक्रिया जो है कि तय हो चुकी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है कि प्रत्यय अमृत स्वयं जो है कि लगे हुए हैं, ताकि जो है कि बिहार के आशा कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ जल्द से जल्द दिया जा सकेगा। सूत्र बताते हैं कि आशा कर्मियों के वेतन में जो कि 1500 रुपये की वृद्धि थी, उससे अधिक 500 रुपये यानी कि 2,000 या जो है कि जो भी वृद्धि करना हो सरकार जो भी करेगी, वह पहले वाले घोषणा से अधिक ही करेगी, ताकि उसका क्रेडिट जो है कि नई सरकार को मिल सके। अन्यथा जो है कि वेतन वृद्धि करने का सारा क्रेडिट और श्रेय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चला जाएगा। इसलिए जो है कि एनडीए की सरकार अब जो है कि उसमें बढ़ाकर आशा कर्मियों का वेतन वृद्धि करेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए जो है कि वेतन वृद्धि 12,000 से अधिक की करेगी। आशा कर्मियों को कितना वेतन मिलने जा रहा है, इस पर जो है कि हमारी नज़र बनी हुई है और हम लगातार जो है कि सरकार से मांग करते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं का वेतन भी 12,000 से अधिक किया जाए। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट था जो हमने आपको दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय